भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन समिति महिलाओं का एक रजिस्ट्रार संगठन है जो मारवाड़ी समाज की महिलाओं, युवक युवती, बच्चों व बुजुर्गों के साथ संपूर्ण भारत ही नहीं एशिया में समस्त जाति समाजों के लिए संपूर्ण विकास कार्य हेतु करती है। सरकारी नियम, सरकारी कार्य योजना के साथ सहयोग से जरूरतमंदों को विकास की धारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य सम्मेलन द्वारा किया जाता है। आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर बाला कासलीवाल ने बताया कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी का सपना था कि स्वावलंबी करना, लघु उद्योग को बढ़ाकर सशक्त राष्ट्र को बनाना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश उज्जैन जिले में शर्मा परिसर में यह आयोजन होने जा रहा है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व समस्त भारत की लघु व घरेलू उद्योग करने वाली सभी महिलाओं को एक छत के नीचे लाना है, जिससे एक दूसरे के उत्पादों को अपनाते हुए उद्योग को सहजता से विकसित कर सके। राष्ट्रीय सचिव राजकुमारी बाली जहाँ उज्जैन में आज उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जनवरी 4 और 5 को, यहाँ पर बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्योजक मेला महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा दलान यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे सबको मार्केट मिले और राष्ट्रीय कार्यालय मीटिंग है वह भी यहाँ पर हो रही है। तो पूरी राष्ट्र की बहनें यहाँ आएगी, इसके पीछे का हेतु ये इन बहनों के प्रोडक्ट पूरे राष्ट्र तक पहुँचेंगे, ये सबसे बड़ा हेतु को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ये राष्ट्रीय संगठन है, ये रजिस्टर्ड संगठन है। आप लोगों को हमने रजिस्टर नंबर, लोगों का रजिस्टर नंबर और संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों प्रेस नोट के अंदर आपको दिए हैं ताकि पारदर्शिता से काम हो। महिला विकास के लिए जब चलती है तो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएँ रहती हैं जो रजिस्टर्ड संस्था को ही मिल सकती है, तो महिलाओं को स्वावलंबी होने के लिए बहुत बड़ी मददगार वो साबित होती है। इसी उद्देश्य को रखकर हमने ये शर्मा परिसर के अंदर उद्योजक मेले का आयोजन किया है। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट।